सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज की अहम और टॉप स्टोरी कराची के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई है। कराची में 7वें ज़िले की एंट्री हो चुकी है और सिंध काबीना ने किवाड़ी को ज़िला बनाने का भी ऐलान कर दिया है, मंजूरी दे दी गई है। और वज़ीर आला सिंध के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक ये भी बताया गया कि किवाड़ी जो ज़िला है वो 60 बल्दिया किवाड़ी और सब डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हार्बर भी होगा। ये चार जो है वो इसमें सब डिवीज़न्स होंगे। जबकि ये भी कहा कि ज़िला गरबी जो है इस वक्त आबादी के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है और मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज जो है वो दूसरी पार्टीज़ की जानिब से किया गया। MQM ने भी इस पर शदीद रद्दमल किया है इजहार, और दूसरी जानब PSP के भी जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि कल से एहतजाज किया जाएगा। अब एक तरफ ये ज़िला बनाने की जो मंजूरी दी गई है वो, दूसरी तरफ ये मामला है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह भी कहा कि 18 टाउन्स का जो पोजीशन थी वो वापस लाने की बातें की जा रही हैं। अब देखना यह कि आगे कराची के लिए होगा क्या, ये जो मंजूरी दी गई है 7वें ज़िले की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हमने शाहिद रहमानी साहब ने हमें वक्त दिया, जॉन कॉल हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना चाहूँगा ये जो 7वें ज़िले की एंट्री की गई है, ये मंजूरी दे दी गई है, क्या समझती हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ये ज़िला सबसे बड़ा ज़िला था, ठीक है, और इसकी आबादी भी तकरीबन 40 लाख है, यानी 39 जो अभी हालिया मरदम शुमारी जिसमें हम कहते हैं कि कम बताई गई आबादी को, लेकिन उसके बावजूद जो है तकरीबन 39,15,000 से जायद की आबादी का ये ज़िला। और आपने देखा कि एक तरफ ये बलूचिस्तान की सरहद को छू रहा होता है, एक तरफ जो है ये बिलावल हाउस के सामने जो श्री जिना कॉलोनी है वहाँ से शुरू होता है और फिर गडाप टोल प्लाजा तक ये ज़िला जाता है। और इंतज़ामी लिहाज से आपको पता है कि सबसे पसमानदा ज़िला गरबी था, जहाँ पे तमाम ज़्यादातर मेहनत कश अफराद जो हैं वो रहते हैं। औरंगी टाउन सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी इसी में है, साइड टाउन, बल्दिया टाउन, केमाड़ी टाउन और फिर गडाप टाउन, मंगोपीर, ये तमाम मंगोपीर डिवीज़न, औरंगी टाउन डिवीज़न, ममनाबाद डिवीज़न, साइट डिवीज़न, ये सारे जो हैं वो इसमें आते थे। तो इंतजामी लिहाज से इंतहाई, यानी एक कोने से पहुंच दूसरे कोने पे पहुंचने के लिए भी आपको 3 से 4 घंटे की ड्राइव जो है वो दरकार होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है काफ़ी अरसे से पेंडिंग में थी और हमने भरपूर मुतालबा किया था कि हमारे ज़िले की चूँकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है और काम मसाइल कम और मसाइल ज़्यादा हैं। अब जब हम एक तरफ तो कहते हैं कि जी छोटे यूनिट बनाए जाए, छोटा किया जाए ताकि काम करने में आसानी हो, तो दूसरी तरफ जो है जब इस पे काम किया जाता है तो मुख्तलिफ लोगों को एतराज़ होता है। मैं तो नहीं समझती कि नहीं, तो दूसरी पार्टीज खासतौर पे PSP है, GDA है और MQM है, ये इतना जो है वो सख्त बरीनी का इजहार क्यों कर रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे दी गई है PSP की जानिब से। देखिए सब यही बात मैं कर रही हूँ कि ये समझ से बालातर है, एक इतना बड़ा जिला और जहाँ पे इंतजामी लिहाज से काम करना इंतहाई दुश्वार हो। आप ये देखें कि गडाप के वो इलाके जैसे मंगोपीर है, सरजानी है, यूसुफ गोट है, गुलशन मैमार है, ये तमाम इलाके इसमें आते हैं और एक उधर केमाड़ी और आपका हॉक्स बे, ये सारा जो है इलाका इधर हब तक चला जाता है, गडानी तक चला जाता है। ये सारी चीज़ें आप देखें, इसके अंदर कंजस्टेड आबादी है। अब उसमें जहाँ मसाइल का अंबार है उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको तकसीम कर दें, और दो हिस्सों में तकसीम करना हमारी एक अरसे से डिमांड थी जिसको वज़ीर आला साहब ने काफ़ी अरसे से पेंडिंग किया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये काम जो है तकमील को पहुँचा। तो मैं आप देख रहे हैं कि वहाँ के लोग खुश हैं, वहाँ के आवाम खुश हैं, इस पे सियासत करना तो इनका पुराना वतीरा रहा है। तो, क्या ताल्लुक रहा है यहाँ से? नहीं, ये जो जिला बना दिया गया आबादी को खुश होने चाहिए ना, नहीं, आबादी को जो बेस बनाया है। अब MQM भी तो एक मुतालबा करती आई है हमेशा से सूबा बनाने की, तो फिर उसमें भी जो है वो कबात नहीं होनी चाहिए फिर कोई? देखिए, MQM जो लसानियत की बेस पर सूबा बनाना चाहती, कराची इज द कैपिटल ऑफ द सिंध
और कराची का एक तारीखी एक हिस्ट्री है, आप कराची को किस तरीके से सुबह बना सकते हैं। नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे कहते हैं ना, वो तो यूनिट्स बनाने की बात करते हैं। ये बात तो इंतहाई में इसकी मुजम्मत करती हूँ कि हम कराची को क्यों सुबह बना दें। कराची कैपिटल है, लाहौर को सुबह बना दें कि लाहौर की बहुत बड़ी आबादी है, पंजाब को काट के लाहौर को सुबह बना दें कि कोयटा को सुबह बना दें, ये गलत डिमांड है। अच्छा, आपके ख्याल में क्या, आपके ख्याल में क्या है? अगर आप लेकर चलना चाहते हैं, मेरा ख्याल में अगर आपने कराची बनना चाहिए सुबह या नहीं बनना चाहिए, अगर उसको जिले को तकसीम किया गया है, तो आप देखेंगे अब उस जिले में दो डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। इंतजामी लिहाज से जो टाउन है, मतलब जो डिवीजन है, वो तकसीम हो गए, तो काम में आसानी होगी। इसमें मसला क्या है, मेरी नहीं समझ में आ रहा है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। नहीं तो सियासी जमातें जो हैं वो ये क्यों इल्जाम लगा रही हैं कि पावर बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये जो है वो नया वतीरा अपनाया, सिंध हुकूमत ने, कि ये जो नया जिला बना दिया गया है। देखें, ये इस तरह की मैंने आपसे कहा कि इस तरह इनका वतीरा रहा है कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो उस पर हमेशा तनकीद की जाती है। ये यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, इन इलाकों की बेहतरी के लिए इकदाम उठाया है जो कि खुशाइंद है। वो ये भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में फिर डिप्टी कमिश्नर्स फिर आपके मातहत होगा, फिर चार सब डिविजन है, चार असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, फिर और जो है वो एडिशनल जो है वो पोस्ट होंगी वहां पर, तो आपका फिर उधर होल्ड ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या है कि आप ये चाहते हैं कि वो इलाके पसमानदा रहे, उन इलाकों में काम ना हो, वो फंड जो एक एक जिले को मिल रहा था, अगर उतना ही फंड अब दूसरे जिलों को मिलेगा तो वहां पर क्या बेहतरी नहीं होगी। आप ये देखिए कि गडाप का पसमानदा इलाका, मंगोपीर का पसमानदा इलाका, औरंगी टाउन जो है पसमानदगी का शिकार होता जा रहा है, कस्बा, अलीगढ़, बनारस, ये तमाम इलाके जिस पसमानदगी का, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा इंतजामी लिहाज से एक तरफ यहाँ के मसाइल हल होंगे। अच्छा, एक पेशकश ये भी की गई ना, इन्हें तकलीफ क्या है। मैं नहीं समझती कि जब आपको ज्यादा काम करने वाले होंगे, ज्यादा फंड आएगा तो वो तो बेहतर होगा, उसमें तो ये तो आवाम की एक पेशकश ये भी की गई ना, ये जो 18 टाउन्स बनाने की पोजीशन को वापस लाने की बात की जा रही, तो 18 टाउन्स की तरह वापस चले जाते जिला बनाने से बेहतर ये था, इस पे क्या कमेंट है? टाउन वाला सिस्टम जनरल मुशर्रफ लेकर आए थे और वो आपने देखा कि वो सिस्टम फेल हो गया और आपको आकर दोबारा जो है जिले बनाने पड़े। उस वक्त तो काम होता हुआ नजर आया था, मुल्क के अंदर टाउन्स की सूरत हाल में काम हुआ है। नहीं, आप वायर ओनली कराची के अंदर आप टाउन बनाने के लिए क्यों बजिद हैं, जब पूरे पाकिस्तान में जिले ही निजाम चल रहा है तो क्यों आप कराची के अंदर एक अलग निजाम लाना चाहते हैं? आप क्या समझती हैं कराची में जिले ही निजाम कामयाब हुआ? बिल्कुल, मैं समझती हूँ, जब आप एक तरफ 18 पे ले जाने के लिए खुश हैं और एक तरफ जब 7 जिले बन रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, तो मेरी समझ से बालतर है कि आप किन चीजों के तनाजुर में बैठ के ये सवालात कर रहे हैं। अच्छा, जिला बनाने से फायदे क्या हुए कराची को, कराची की सूरत हाल में क्या बेहतरी आई? मैंने आपसे एक बात अर्ज की कि जिला गर्बी इंतजामी रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था और ये एक वहाँ के लोगों की देरीना ख्वाहिश थी कि इसको यहाँ पर जो है इसको जो है दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, ताकि अगर उसको अकेलेस्तान जाना है और जो श्री जिना कॉलोनी, तो वहाँ पे वो अपने मसाइल को हल कराने के लिए कैसे जाएगा? चले, अगर ये सोच रखे किया गया तो उसको तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो 6 जिले हैं वो बनाने के बाद कराची में बेहतरी क्या आई है? कराची की सूरत हाल तो अगर आप देखें तो अभी भी निजाम धर्म भरम है। देखिए, शायद वो आपको नजर नहीं आ रहा, कराची का निजाम शायद आपको पहले याद होगा, आपको 2008 से पहले का भी कराची याद होगा जो सरे शाम बंद हो जाया करता था, आपको वो भी याद होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह याद है। यूनिवर्सिटी के रोड पे आप जो है, कराची यूनिवर्सिटी के रोड पे आप जाते थे, यूनिवर्सिटी रोड, तो आपको याद होगा कि वो सफूरा तक जो मिलाया है, या जो शायर फैसल को आपने एक तरफ सौंपी की है और कहाँ तक मिला दिया गया है, आपने तमाम कराची के शहीद मिल्लत रोड देख लें, आप कराची के क्लिफ्टन ब्रिजेस देख लें। उस दौर में जब मुस्तफा कमाल साहब ने 3 ब्रिजेस अंडर बाईपासिस बनाए थे तो बड़ा शोर हुआ था, आज सिंध हुकूमत ने लातादाद अंडर बाईपासिस और ब्रिजेस बना दिए, कराची का नक्शा चेंज है। वो लोग जो अरसे के बाद आते हैं वो कहते हैं नहीं, कराची ने बहुत तरक्की की, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन कराची में और भी मसाइल है ना शायद हमारी साहिबा, कराची की अगर तरक्की नजर नहीं आ रही तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट रखती हैं खुद को डिफेंड करने का, लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, मैं थोड़ी सी चीजें गिनवा देता हूँ। अगर आप बहुत से ज़िलों के अंदर जाकर, इलाकों के अंदर विजिट करें, मलीर का अगर मैं नाम ले लूँ, अगर कोरंगी का नाम ले लूँ, लेकिन वहाँ पे जो सड़कों की सूरत हाल है, क्या आप उससे नाबलद हैं? कचरे का जो निज़ाम है
ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जो नालों का निज़ाम है, जो दीगर चीज़ें हैं, वो तो सही नहीं है ना, तो फिर कराची कैसे बेहतर हो गया, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें? देखिए, आप तो हमेशा, आपकी ये बिलाल, आपकी तो एक आदत है कि आप कराची का नोहा पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे, कराची का परसेप्शन। मसला ये है ना कि कराची का रिहायशी पैदाइश यहाँ की है। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने कराची में अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए और करा रहे हैं, हम कराची को तरक्की याफ्ता मालिक की फहरिस्त में लाना चाहते हैं, हम कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। आप इस तरह के नोखा पढ़ते रहे, लेकिन अहमदुल्ला मैं भी ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं कराची का रहायशी हूँ, पैदाइश भी यहाँ पर हुई है, इसलिए तकलीफ होती है ना जब ये कराची की सूरत हाल में देखता हूँ। मैं भी आपकी तरह कराची की ही बासी हूँ और कराची की तामीर और तरक्की में हम हर जगह बैठ के, जब हम अपने चेयरमैन के साथ बैठते हैं, वजीर आला के साथ बैठते हैं, तो कराची के मसाइल पे बात करते हैं। और अच्छा, कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम जिलों से ज्यादा कराची के अंदर जो है फंड को यूटिलाइज किया गया। आपने देखा कि वो कराची के अंदर, मैंने आपसे कहा इससे पहले भी, 3 अंडर बाईपास है, हीरो बना के पेश किया गया। आज अंडर बाईपासेस और ब्रिजेस की जो बतात है, और इंतहाई कम अरसे में और इंतहाई कम लागत में मुकम्मल किया गया, कभी आपने उससे प्रोग्राम्स नहीं किए। ये वही अंडर बाईपासेस हैं जो बारिश के वक्त में डूबे हुए नजर आते हैं। नहीं, ये वो नहीं है, जो दूसरा जो निजाम है, वो जो डूबते हैं नकासी का निजाम भी दुरुस्त कर देते हैं। बात सुने, एक वो डूबता है जो क्लिफ्टन अंडर बाईपास पिछली हुकूमतों ने बनाया था, और एक वो डूबता है जो नाजमाबाद और लियाकताबाद का, हमारे जो बनाए हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कहीं पानी। 12 सालों से और 10 साल की अगर आपकी हुकूमत में देख लूं, तो उसमें क्या अंडर पासिस ही गिनवाएंगे, सड़कें गिनवाएंगे? कराची का जो स्ट्रक्चर है, अगर जब मैं आपको अपने काम गिनवाने लगती हूं, तो आप कहते हैं कि जी 12 साल में यही नहीं, हमने एलआईसी, हमने हेल्थ का भी बेहतरीन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, हमने कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज, कराची में मेडिकल कॉलेज, कराची के अंदर जो भी तामीर और तरक्की के काम हुए, आप वो आप उठा के लिस्ट में किसी दिन लेकर आ जाऊंगी और आप देख लें। नहीं, मोस्ट दौर में क्या हुआ, मोर देन वेलकम, आप किसी दिन स्टूडियो में बैठे तो इन तमाम चीजों पर बातें करेंगे। लेकिन जो इस वक्त टॉप जो सर फहरिस्त है, जो मसाइल कचरे की अगर बात की जाती है, वजीर आला साहब खुद सरबरा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, खुद उसको जो है वो रूल कर रहे हैं तमाम चीजों को, कचरे का निजाम क्या दुरुस्त है? ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर ली जाए, आपके एक मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं नासिर शाह साहब, और अगर वो ट्रांसपोर्ट की बात करते थे तो 600 बसों की 10 बसें दे दी, आज वो 10 बसें भी मुझे नजर नहीं आती हैं। पानी का निजाम है, वो भी आपके पास है वो महकमा, तो ये तमाम चीजें किसकी जिम्मेदारी है सही करना? देखिए, सबसे पहली बात, आप नालों की, डीएमसी के जो अंडर में नाले हैं, जो केएमसी के अंडर में नाले हैं, वो नाले साफ नहीं हुए। आखिरकार एनडीएमए को, सिंध हुकूमत को उसमें मुदाखलत करनी पड़ी और काम करना पड़ा। कचरों की जहां तक जिम्मेदारी थी, आप ये देखें कि जो यूसी चेयरमैन और जो डीएमसी हैं, वो लाके कचरों को मैन शाहराहों पे और नालों के साथ डालते रहे। और आपने जिस तरीके से पानी को कहा, तो पानी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर ही जहाँ पे पानी पहुंचाया जा रहा है लाइनों से, नहीं होता तो टैंकर्स के जरिए पहुंचाया जाता है, जो डीसीज जो है वो और इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे उनके थ्रू पहुंचाया जा रहा है। ये नहीं कह सकते, पूरी सिंध हुकूमत इस कोशिश में है कि कराची को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात रही, तो आपको ये बात भी याद होगी कि ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ ऑरेंज लाइन मंसूबा जुड़ा हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं होने का नाम ले रहे हैं ना ये ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन। आप ये देखें कि लाहौर में बन जाता है, मुल्तान में बन जाता है, इस्लामाबाद में बन जाता है, लेकिन कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला शहर है, वहाँ एक मंसूबा अल्लाह अल्लाह करके पहुँचता है, लेकिन वो 5 सालों में भी मुकम्मल नहीं हो पाता, जो जिसकी वजह से खरजानी से लेके आप नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची तमाम सड़कें आज जो है वीरान पड़ी हुई है। ये किसका काम होता है कि जो मंसूबा, जब इतने मसाइल हैं और जब इतने मसाइल हैं और आप जो सब अच्छाई का राग, सब अच्छाई का राग लाभ रही है, तो जो मंसूबे वफाक के साथ बन रहे हैं तो आप उसको टेक ओवर कर लेना, आप कंप्लीट कर दें वो मंसूबे। मैं कैसे कर दूं, ग्रीन लाइन विफाकी हुकूमत का मंसूबा है, जब तक सिंध हुकूमत को अगर दर्द है, सिंध हुकूमत को अगर दर्द है तो सिंध हुकूमत ले ले वो मंसूबे, कंप्लीट कर दे। चलाएंगे नहीं, बसें ला के उन खंडरात पर चलाएंगे। नालों की सफाई के लिए आज से 4 महीने पहले मेयर चीखते रहे, मेयर आवाज उठाते रहे कि फंड दे दिए जाए, रेन इमरजेंसी की मद में 20 करोड़ रुपए निकाल दिया आपने, 4 महीने पहले पैसे निकाल देते। मेयर को पैसे दिए गए, नालों की सफाई के लिए दिए गए, डीएमसी को दिए गए, अब वो काम ना करें तो ये उनकी नाअहली है। नहीं तो ये जरूरत ही क्यों पेश आती है, रेन इमरजेंसी की मद में 20 करोड़ रुपए आपने आखिरी वक्तों में निकाले, जिसकी माशाल्लाह से कोई टेंडरिंग भी नहीं होती लॉ के तहत, तो 4 महीने पहले ये काम शुरू कर देते। जब
होता था, पेस्ट प्रेडिक्शन तो थी ना कि 20% ज्यादा बारिश होगी। फंड होता है जो कि इमरजेंसी के दौरान दिया जाता है, और ये मेयर की नाहली है जिसको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरी नाहली है, मुझे मौके मिले मैं काम नहीं कर सका। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये जिला बनाना था जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था, जिला गर्भी, इसको तोड़ के फिर बनाया। सबसे बड़ा मसला सिंध हुकूमत की नजर में यही था, और मसाइल नहीं है कराची के? तमाम मसाइल को हल करने के साथ साथ जाहिर है जब ये सबसे पसमानदा कराची का जिला है और इनके मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मैं तो कह रही कि बहुत देर में हुआ, इसे 2 साल पहले हो जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कोई अपडेट है, कुछ स्ट्रक्चर तब्दील होने वाला या नहीं? दुआ करें कि विफाकी हुकूमत जो है ये ग्रीन लाइन मंसूबा कंप्लीट करें ताकि वो हम ट्रांसपोर्ट को उनके ऊपर लेके आ सके, जो हमारा वादा है। चलें देखते हैं, वादा वफा हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। वो बड़ी मशहूर जो है वो बात मुझे इस वक्त याद आ गई, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत क्या करने जा रही है। जिले बनाने की तो मंजूरी दे दी गई है, इस पर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। तो PSP की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई, MQM भी बीच में आ गई, फिर PTI ने भी कहा, फिर GDA ने भी कहा। अब देखना यह है कि आगे मसाइल कैसे हल होंगे। एक तरफ तो गठजोड़ करके तमाम सियासी जमातें कभी गवर्नर हाउस में बैठती हैं, कभी इस्लामाबाद में बैठक लगाती हैं, फिर होता यह है कि इत्तेफाक राय हो जाता है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि तमाम सियासी जमातें अपना अपना मौकफ अपनाती हैं और फिर ये कहती हैं कि शेयरिंग्स नहीं देंगे। कहीं पर शहरी हुकूमत कहती है, या फिर MQM की बात कर लें तो वो मेयर के इख्तियार होते हैं। सबको अपनी सियासत की पड़ी है। देखना यह कि मसाइल को हल करेगा, ये वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद बात करेंगे।